क्वेश्चन है, एक सही 3/4 से एक सही 3/4 और 4 सही 3/8 के मध्य एक सातवीं दूरी पर स्थित परिमेय संख्या ज्ञात करो। मीन्स एक सही 3/4 और 4 सही 3/8 के मध्य एक सातवीं 1/7 दूरी पर स्थित परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या जो हमारी है, हल में यहाँ लिखेंगे, पहली संख्या इजिकल टू 4 1 जा 4, 4 1 4 3, 7/4। सपोज इसको हम मानते हैं एक्स, और दूसरी संख्या जो होगी हमारी वो लास्ट नंबर जो दिया है वो क्या है, 4 सही 3/8 मीन्स 8 चौक 32 3 35, 35/8 मीन्स इसको हम मानते हैं वाई सपोज। देन एंथ नंबर क्या होगी, एंथ संख्या, एंथ एनवा संख्या कौन सा, कौन सी दूरी पर स्थित है, एक सातवीं दूरी पर, तो लिखेंगे 1/7। सूत्र होता है इसको फाइंड करने के लिए, एक्स प्लस एंथ नंबर वाई माइनस एक्स। ये वाई माइनस एक्स हम इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे 35/8 बड़ा है और 7/4 छोटा है, ताकि आसानी से घट जाए। अगर 7/4 की जगह पे कोई और संख्या दूसरी होती जो वाई से बड़ी होती, मीन्स इसको अल्टरनेट कर लेते, एक दूसरे को आगे पीछे कर देते, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, जो बड़ा रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे। देन एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो 7/4 प्लस 1/7, एंथ की वैल्यू 1/7 और वाई की वैल्यू जो है 35/8 माइनस एक्स की वैल्यू 7/4। 7/4 प्लस 1/7, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 8 35 माइनस 14 मीन्स ये 4 2 8, 7 2 14, 7/4 प्लस 1/7, इसके बीच मल्टीप्लाई का सिंबल, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, 21/8 3, फिर 7/4 प्लस 3/8, इसका एलसीएम लेके सॉल्व किए तो 8 एलसीएम होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा 14 प्लस 3, देन 17/8, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। मीन्स कोई भी संख्या अगर हो, दो संख्याएं हैं उसके बीच एक सातवीं, दो तिहाई, एक तिहाई, दो पाँचवीं, एक पाँचवीं, एक नौवीं, एक बारहवीं संख्या के बीच दूरी पर स्थित परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो हम इस फार्मूले को लगा के हम सॉल्व करेंगे। एंथ क्या है, जितने प्लेस पे वैल्यू पूछे, और पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, और वाई माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि जो बड़ा रहे उसको पहले लिखना है। ओके, ये इसलिए हमारा आंसर ये हुआ। धन्यवाद।